नमस्कार। मुंबई लोकल ट्रेन में भीड़ बढ़ने की वजह से अब लोकल ट्रेन और भी सख्त हो गई है। मध्य रेलवे ने कोविड 19 के उचित व्यवहार का पालन नहीं करने पर 25,000 से अधिक लोगों का पता लगाया और उन्हें दंडित किया। मध्य रेलवे ने सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और यात्रियों को यात्रा करते समय सभी सावधानी बरतने के लिए जागरूक करते हुए बड़े पैमाने पर टिकट जाँच अभियान चलाया, जिससे अप्रैल से सितंबर 2021 तक 71 करोड़ से अधिक रुपए का राजस्व नुकसान की बचत हुई। वहीं दोस्तों 17 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक टिकट जांच कर्मियों की विशेष टीमों ने कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार के गैर अनुपालन के कुल 25,610 मामलों का पता लगाया और उन्हें दंडित किया। यात्रियों के मास्क न पहनने पर और कोविड 19 दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं देने के 5,040 मामलों का पता चला। इस तरह से 80 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई और उन्होंने यात्रियों से असुविधा से बचने और सम्मान के साथ यात्रा करने और कोविड 19 के लिए अनिवार्य सभी मानदंडों का पालन करने के लिए उचित और वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा करने की अपील की है। फिलहाल दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन में 2 डोज वाले को और 18 साल से कम सभी छात्र छात्राओं को अनुमति मिली है। दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन में भीड़ बढ़ने के साथ अब और भी सख्त हो गई है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई लोकल ट्रेन और महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।